Jai Gude, good morning everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art Opening Organization to Yoga Vashishtha Monetization. Namaste, मैं सोमेश्वर आप सभी का Art Opening संस्था की तरफ से Yoga Vashishtha के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ. रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग तीन बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे. We begin our session by chanting Om three times. अपने सारे Zoom के participant, अपने सारे YouTube के व्यूवर्स, अपने सारे Facebook के व्यूवर्स, इन सभी का भी इस सत्र में स्वागत है. आज का अपना विषय रहेगा, कल से हमने निर्वाण प्रकरण का जो उत्तरार्ध है चैप्टर नंबर 7 उसे शुरू किया. उसमें से सब चैप्टर नंबर 89 को हमने देखा और आज उसका ही नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 90 उसको हम लोग आज देखेंगे. यहाँ पे आपका विषय रहेगा अहम भाव क्या होता है, अहंकार क्या होता है, अनहम भावना क्या होती है और वो हमें अहंकार को नष्ट करने के लिए कैसे हेल्प करती है, और फिर जो हम लोग आत्मज्ञान होते हैं वो आत्मज्ञान कैसे किसी प्रक्रिया का या किसी आत्मदृष्टि का आउटपुट या फल नहीं होता है, वो क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे. तो यही आज का विषय रहेगा. चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए. लेट्स चैंट ओम थ्री टाइम्स. रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, अंदर से पूरी तरह से तृप्ति और समाधान का भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता. एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए. ओंकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले. Slowly and gradually, you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो. चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते. आपके मन में इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आ रहे हैं उन्हें आप यहाँ पे जरूर प्रस्तुत कर सकते हैं. अनम्यूट का ऑप्शन अभी यहाँ पे खोल दिया गया. ओवर टू यू. जय गुरुदेव. Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. Can I start? Yes. So it was a very, very beautiful topic yesterday that we saw regarding the karma, you know, कैसे नहीं बनाए और उसके अलग अलग जो हमने उपाय देखे. So, just to go through that, it is like, so it is like there are different ways which we can, any one way which you take it up, it can be. So, और उसका जो
बाकी का हमने देखा दैट वाज इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे एक्चुअली दिस आई होप इट स्टैंड्स ओके थैंक यू या आई एम सॉरी फॉर दैट but there is some wi-fi problem which I cannot on my computer so that is the thing so karmo ke phalon ka jo tyag kar dete hain wo kaise karte hain aur hum khali sirf kriya karte hain that is what we saw the whole thing yesterday so there were different aapne jo raste bataye wo sab bahut sare aur different hai जैसे अकर्ता बने अकर्ता कर्ता में महाभोक्ता महात्यागी एंड महाकर्ता महात्यागी महाभोक्ता वो करे या तो फिर वर्ल्ड को एक अनरियल करके देखे यू नो एंड नाउ टुडे इट इज लाइक नॉट गोइंग इनटू यू नो ड्यूअलिटी ऑल दीज थिंग्स विच वी सॉ यस्टरडे जस्ट टू नेम अ फ्यू ऑफ देम टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ दैट अहम एंड अनहम राइट एम आई प्रोनाउंसिंग इट राइट अनहम दैट इज जो अहम जो मूल्य है जो मैं और मेरे का जो पूरा संसार और पूरा जो झाल बना हुआ है जो एक मूल है जैसे यू नो वृक्ष का एक मूल होता है वो हमारा मूल जो है वो अहम है तो प्लीज आप इसके ऊपर बताएं कि हाउ टू राइज अबाउट दैट ईगो सेंस विच वी हैव ऑल ऑफ अस हैव सो ओवर टू यू सोमेश्वर जी जरूर संगीता जी तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो अपना सारा जो इस शरीर रूपी जो अपना संसार जो उत्पन्न हो जाता है यह स्थूल शरीर पिक्चर में आ जाता है इसके पीछे इसका यदि बीज ढूंढने लगते हैं तो आपको ने को पता चलता है कि वो कर्म का जो साटा था वो प्रारब्ध जो था संचित कर्म जो थे जो संस्कार जो अपने अंदर बने हुए थे उसके अंदर से उत्पन्न हुई जो इच्छा शक्ति और उसके अंदर से उत्पन्न हुए संकल्प उसके अंदर से उत्पन्न हुई जो वासना थी यही सारा इस जगत का मूल जो है वो क्या बन जाता है इसका बीज बन जाता है तो आपका कर्म का साटा ही आपका नया जो स्वरूप धारण करते हैं आप जो नया शरीर धारण करते उसका क्या बनता है बीज बन जाता है तो यदि आपको नया शरीर धारण नहीं करने की इच्छा है या आपको उस मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है विदेह मुक्त प्राप्त करने की इच्छा तो बोलते इसके लिए जो आपको करना पड़ेगा वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में यू विल हैव टू डू द इस कर्म का जो साटा है उसका ही नाश करना पड़ेगा माने जो सारे जो कर्म जो है वो कर्मों को करते करते जो बन चुके हैं जो चित्त के ऊपर जो इम्प्रेशन बन चुके हैं उन इम्प्रेशन को आप लोग को क्या करना पड़ेगा धोना पड़ेगा उसको साफ करना पड़ेगा उसको नष्ट करना पड़ेगा कैसे करें तो उसके कई सारे उपाय जो हमने कल भी देखे और उसमें से और एक उपाय यहाँ पे पूरा डिटेल में वर्णन चैप्टर नंबर 90 उसी के ऊपर फोकस है और उसका थोड़ा अलग पोर्शन हाफ ऑफ द पोर्शन इज फोकस्ड ऑन अदर एस्पेक्ट ऑफ द तो वो भी बड़ा अपना योग शिष्टा बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पे तो दोनों सिद्धांतों को यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बात करते कि उसके आगे यदि आप जो अपना बाकी के सारे जो उपाय हमने देखे तो उसके पीछे जो कर्तापन का जो भाव आ जाता है कि मैं हूँ ये मैं हूँ और ये मेरा है ये मैं जो पिक्चर में आ जाता है उसको यहाँ पे अहम कहा गया वो अहम होना तो ठीक है मतलब उसकी वजह से ही उत्पत्ति हुई अगर अहम नहीं रहता मतलब अपने चैतन्य से अपने आप का अलगाव यदि नहीं होता उस पूरण नहीं उठता तो चैत्य नहीं आता तो चित्त नहीं बनता तो संसार ही नहीं बनता है ना तो वो है इसलिए संसार है वो नहीं है तो संसार नहीं है तो अहम तो है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता है कि वो अहम है और वो सर्वश्रेष्ठ है मतलब मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ वो वाला जो अहंकार उसमें पैदा हो जाता है या मैं ही होपलेस हूं जो एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ या फिर मैं ही होपलेस आई एम द होपलेस मैं ही बिल्कुल होपलेस हूँ ये न्यूनगंड आ जाता है इसको कहते हैं अहंकार दोनों रूप में सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी वो अहंकार ही है और इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी क्या हो जाता है वो अहंकार न्यूनगंड जिसको कहते हैं तो यह जो भावना जो है वो अहंकार या न्यूनगंड की भावना क्या करती है अपने प्रोग्रेस को रोक लेती है वो बोलते है अपने को
अपने चैतन्य के साथ एक रूप होने नहीं देती है, अपने आत्मा के साथ, अपने सेल्फ के साथ उसको रियलाइज नहीं होने देती है, उस आत्मज्ञान को अपने जीवन में आने नहीं देती। तो बोलते हैं उसी की वजह से फिर क्या बना रहता है, ये सारा जो कर्म का जो बीज जो है, कर्म जो बने रहते, जो संस्कार बने रहते, उसी के ऊपर फिर क्या रहते हैं, तुम्हारे सारी वासनाएं जागती रहती है, वैसे ही विचार आते हैं, फिर वैसे ही तुम कार्य करते हो, फिर से वही कर्म बन जाते हैं, और तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में क्या हो, तुम क्या करते हो, फंसते रहते हो, अटकते रहते हो। तो इसको ब्रेक करना है, इस चयन रिएक्शन को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करें, तो बोलते हैं आप क्या करो, यह जो अहम भावना है, वो अहम भावना और अनहम भावना, इसको तुम क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो अभी इसको प्रैक्टिस करने के लिए पहले इसको समझना तो आवश्यक है, नहीं तो प्रैक्टिस करेंगे तो क्या प्रैक्टिस करेंगे। तो उस शब्द जो है, उस शब्द को हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये अहम माने क्या है। तो अक्सर यदि आप अपने खुद को देखते हो, तो यदि कोई पूछता है कि आप क्या हो, तो आप क्या बोलते हो, बोलते आई एम। ये दो कॉन्स्टेंट शब्द आते हैं और उसके बाद में फिर एक एडजेक्टिव आता है। लेफ्ट साइड ऑफ द स्टोरी क्या रहती है कि आई एम, एंड राइट ऑफ में क्या आता है, एडजेक्टिव आ जाते हैं काफी सारे। कौन से एडजेक्टिव हम लोग लगा देते हैं, तो आई एम सोमेश्वर, आई एम इंजीनियर, आई एम हस्बैंड, आई एम फादर, आई एम सन, आई एम ब्रदर। यू सी सो मेनी एडजेक्टिव जो अपने जीवन में क्या करते हैं, राइट साइड में हम लोग लगा देते हैं ना, ये क्या बन जाते हैं, हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, इन सारों को अपने जीवन में हम लोग आइडेंटिटीज बना लेते, वी फॉर्म दीज आइडेंटिटीज विद अस, कि ये आइडेंटिटी। और फिर हर एक आइडेंटिटी के साथ एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर, हर एक आइडेंटिटी के साथ अलग अलग तरीके से ये करना, और उससे एसोसिएटेड जो इमोशंस और भावनाएं है, वो किसी के किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ अपने अहंकार की भावना आ जाती है, उसमें सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना आ जाती है, कई सारे प्रकार के आइडेंटिटी के साथ न्यू नगंड की भावना आ जाती है, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एसोसिएटेड विद दैट आइडेंटिटी। आप क्या करते हैं, या उसके उस आइडेंटिटी के साथ, किसी को चोर ही बोल दिया, मैंने वो चोर की जो आइडेंटिटी आ गई, वो जो क्रिमिनल की आइडेंटिटी आ गई, वो जो आतंकवाद की आइडेंटिटी, ये इस आइडेंटिटी से कौन सा उसको बहुत अच्छा फील होने वाला है ना, उसे वो न्यूनगंड ही फील होगा फिर, या उसको अभी ज्ञान नहीं है तो उस गलत आइडेंटिटी को ही वो अहंकार समझ लेगा। माने जैसे रावण जो है अपने क्रिमिनल्स होते आतंकवादी, बोलते उस एक्शन को, गलत चीज को ही वो अपना प्राउड फील करते हैं, दे फील प्राउड अबाउट इट कि देखो मेरा कितना भय है, मेरा कितना खराब नाम हुआ, माने उस खराब नाम जो होता है उसको वो फेम समझते, देखो मैं कितना फेमस हो गया, सब लोग मुझे जानते हैं। तो यह प्रकार के जो सारे जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो मद उत्पन्न हो जाता है, ये जो प्राइड उत्पन्न हो जाता है, ये जो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, उसमें हम लोग आके फंस जाते हैं। तो वो जो आता है वो आइडेंटिटीज से आता है, ऑन द राइट साइड ऑफ द आइडेंटिटीज। बोलते हैं वो आपको यदि कहना है तो सबसे पहले आपको अपनी सारी आइडेंटिटीज छोड़नी पड़ेगी। नो आई एम सोमेश्वर, आई एम दिस, आई एम दैट, ये सारे आइडेंटिटीज को छोड़ो और देन यू कम बैक टू आई एम। देन बोलते कि आई एम माने जो है वो होता है अहम, बस मैं हूं, मैं कौन हूं क्या हूं मैं जानता नहीं हूं, बट मैं हूं। तो बोलते वो मैं को भी छोड़ो, आफ्टर सम टाइम कुछ प्रैक्टिस के बाद वो मैं को भी छोड़ो, बस हूं, बस है, बस बीइंग, जस्ट इट इज देयर। तो दैट वो है, वो क्या है, कैसे है, क्या है, इसका स्वरूप क्या है, नाम क्या है, फॉर्म क्या है, वो सब छोड़ो, बोलते बस तुम हो, यू जस्ट बी, बीइंग में आ जाओ। तो अनुभव को छोड़ के अनुभवी, जो अनुभव ले रहा है वो बीइंग में आ जाओ, ये बात होती है। तो उसको यहाँ पे इस तरह से कहा गया। अभी उसको थोड़ा और उसको अंदर जाके घुस के देखते तो क्या होता है, तो वो जो शब्द जो बोला था ना आई एम, उसको संस्कृत में कहते अहम। अहम इज अ संस्कृत वर्ड। तो इसको अहम को लिखते कैसे, अ लिखते हैं, ह लिखते हैं और ह के ऊपर बिंदु दे देते, अनुस्वार जिसको हम लिखते हैं वो दे देते, तो वो बन जाता है अहम। बोलते ये अहम को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हो। तो
पहला कहते हैं अहम, जो बिंदु देते हैं उसको क्या करते हैं, म से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे हम लोग ओम म से प्रोनाउंस करते हैं, म ओम के अंदर जो बिंदु होता है अनुस्वार उसको म से प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन बोलते यदि किसी के ऊपर बोलते नंबर, नंबर में जैसे है ना, तो बोलते उसमें बोलते वो बिंदु को ना हम लोग न से भी प्रोनाउंस कर सकते, तो वो बन जाएगा अनहम, अहम नहीं बन जाएगा अहन बन जाएगा, अहम और अहन। वो अहन कहीं लिखने को बोले तो अहन को भी अहन बिंदु ही लिखेंगे, तो बोलते वो अहन बन जाता है। बोलते वो अनहम भावना कि अहन ये अलग चीज है, अनहम अलग चीज है, दोनों में भी अंतर है ना। अहम अहन और अनहम, बात समझ में आ रही है, तीनों वर्ड अलग अलग है। पहला वर्ड है अहम, दूसरा वर्ड है अहन, तीसरा वर्ड है अनहम, अनहन, अनहम। क्या अर्थ है इनके, अहम मैं हूं, अहन मैं नहीं हूं। पहला है अहम मैं हूं, दूसरा है अहन माने मैं नहीं हूं, और तीसरा वर्ड है अनहम माने मैं ये नहीं हूं। जो भी दिख रहा है अनहम माने अनहम माने नॉट दिस, जो नीति नीति प्रिंसिपल जो आता है वो अनहम भावना से ही आता है कि मैं ये नहीं हूं। आई एम नॉट सुमेश्वर, आई एम नॉट हस्बैंड, आई एम माने मैं सुमेश्वर नहीं हूं क्या, हूं लेकिन सिर्फ सुमेश्वर हूं क्या, सुमेश्वर तो कई सारे हो सकते हैं, कई सारे लोगों का नाम सुमेश्वर हो सकता है, तो मैं सिर्फ सुमेश्वर नहीं हूं, नॉट जस्ट दिस, नॉट जस्ट दिस, नॉट जस्ट दिस। वो नॉट जस्ट ये है ना, वो अनहम भावना है, वही चैप्टर का जो हेडिंग है ना अनहम भावना का अभ्यास, वो आई एम नॉट जस्ट दिस अनहम, मैं मतलब मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी सिर्फ नहीं हूँ, ये भी सिर्फ नहीं हूँ, मतलब ऐसे करते 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 अनहम भावना का जो अभ्यास होता है वो अनहम भावना का अभ्यास से क्या हो जाएगा, जो अपना है अहंकार जो है वो क्या करने लगेगा, छूट देगा। तो जब जब भी आपके जीवन में अहम पैदा आ जाता है कि मैं हूं, तो उसको क्या करो, अनहम भावना के अभ्यास से क्या करो, उसको नष्ट करो। तो बोलते यह प्रक्रिया जब तुम करोगे, ये अहम भावना मैं और मेरा कर्तापन का भाव, यही तुम्हारे बहुत सारे कर्मों का क्या है, बीज है। तो जैसे ये बीज ही नष्ट हो जाएगा तो चैन रिएक्शन टूट जाएगी, वो कई सारा कर्मों का जो साटा है वो नष्ट हो जाएगा। बिकॉज आपको पूछते तो क्या करते? आप बताते क्या हो अपने बारे में, अरे मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैंने ऐसी पढ़ाई की है, मैंने ऐसे नौकरी की है, मैंने ऐसा बिजनेस किया है, यू नो व्हाट मैं आटोपलिंग का टीचर हूँ, यू नो व्हाट मैंने इतने कोर्स कंडक्ट किए, यू नो व्हाट युवाष्ट के इतने सत्र हो गए। व्हाट इज ऑल दिस, इट इज ऑल रिलेटेड टू योर पास्ट, समथिंग विच यू हैव एक्वायर्ड, मैंने ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, यू नो आई हैव वन बीएचके, यू नो देयर इज वन मोर बीएचके देयर, you know this, they, do you see something which I have acquired, ye karma ka jo satha jo hai na ye sab kuch kiske around ghum raha hai, maine kiya, mera hai, maine kiya, mera hai, maine kiya, mera hai, matlab jaise hi ye main hat jayega wo jo sara jo karma ka jo satha tha turant nasht ho jayega। इसका ये इसका मूल है, ये बीज है। इसलिए बोलते ध्यान यदि करना है और ध्यान होना है और सचमुच में ध्यान लगना है अपना, तो मूल मंत्र क्या है कि आई एम नथिंग। तो पहले क्या करो, आई एम नथिंग इज व्हाट, अहनम, अहम, अहन, अहन मीन्स आई एम नथिंग, आर यू गेटिंग दिस, अहम means I am something, ahan जो ऊपर वाला न का प्रोनाउंसिंग है तो I am nothing, ahan I am nothing,
एंड देन अनहम मीन्स मैं ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ऐसा करते 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 एक स्थिति में आप हो जाओगे जहां पे आपके सारे कर्मों का नाश होगा। वही चीज यहाँ पे डिटेल में वर्णन किया है कि उस अनहम भावना का क्या करो, तुम उस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस दैट। ना हम ना हम ना हम, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, जो नेति 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 कहते हैं उसी का भी तुम प्रैक्टिस करते। ये टेक्निक है ना, गुरुदेव हमेशा इसको कहते हैं कि आप यदि आपको करना है तो यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि बोलते हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, और बोलते इस प्रश्न को बार बार पूछो, बोलते जो भी उत्तर आएगा ना इसका, उस उत्तर को छोड़ो, यू डोंट गेट इन टू दैट। जो भी उत्तर बोलते ऐसे करते 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 ये सारा जो जगत की जो स्थिति है, बोलते ये जगत सारा उत्पत्ति जो हुआ है, बोलते यह इस अहम उसी से शुरुआत हुई कि मैं कुछ हूँ, अलग हूँ अपने आप से, और वह चैत्य की निर्मिति, और फिर चित्त, चित्त की निर्मिति, फिर यह संसार, और संसार में फिर अपना इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, मैं अलग हूँ फिर से चैतन्य से, और फिर वो फिर से पंच तन्मात्रा, फिर से पंच महाभूत, फिर से वो प्राण, फिर से वो जीव व भाव, और मैं अलग हूँ, फिर मैंने शरीर धारण किया, तो यही रूट है उसका, उसको प्रैक्टिस करो, अपने आप यू विल गेट बैक टू योर सेल्फ, अपने आप ही आप उस अपने पास जो है उसके पास तुम चले जाओगे। फिर अपने आप ही जो सारा जो द्वंद्व है आपके, जो वह जो सृष्टि है, जो सारा द्रव्यार्जन है, वो सब कुछ जो द्वंद्व चल रहा है सुख दुख का, इससे उत्पन्न होने वाले सारे लोभ शोक मोह भय इत्यादि होते हैं, वो सारा इसी से तुम्हारा प्राप्त हुआ है। जैसे ही इसका ही निराश हो जाएगा, अपने आप इस काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सारे जो शरीर पे बोलते इसका निराश हो जाएगा, जिसके प्रति तुम भाग रहे हो विषय, वो विषय नष्ट हो जाएंगे, वो जगत ही नष्ट हो जाएगा, उसका ही निराश हो जाएगा, तो विषय भी अपने आप नहीं रहेंगे। जब विषय नहीं रहेंगे तो जिसके प्रति उठ के उत्पन्न होकर जो कर्म का साटा रहता था, उस कर्म का साटा ही नष्ट हो जाएगा, तो उससे उत्पन्न होने वाले विचार, उससे उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, उससे उत्पन्न होने वाले वासनाएं, बोलते उसका भी निराश हो जाएगा। फिर जो बचेगा वो बस तुम, अलावा तुम्हारे अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो रामा इस ज्ञेय और वो ये विषय जो होते प्रमाण से बोलते ऐसे सिद्ध नहीं होते, बोलते इसको तुम छोड़ो, अपने विषय के आकार विकार जो प्रकार जो होते थे उन वाणी से उसको निर्देश हम लोग ला नहीं सकते, वाणी से उसको पूरी तरह से हम लोग कर नहीं सकते, इसके लिए क्या करते हैं इन सारी चीजों को सिर्फ एक भ्रांति मात्र तुम देखो, एक मिथ्या के रूप में देखो, एक माया के रूप में देखो, एक जस्ट एन इल्यूजन, मतलब इसको इल्यूजन जान के तुम क्या करो शांत हो जाए। कई बार जो होता है पुष्प पे जो बैठा हुआ वहां पर कई सर्प दिखता है, जैसे ही तुम जागृत अवस्था में आए तो इमिजिएटली वो सर्प वहां पे होता ही नहीं है। जब वो स्वप्न में उठने वाला सर्प जागृत अवस्था में कहाँ होता है, होता ही नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। तो ये अपने आप ही फिर क्या हो जाएगा, इन सारे चीजों का यहाँ पे निराश हो जाएगा, ये प्रपंच जो है अपने आप ही इसमें विलीन होकर आत्मभाव में तुम आ जाओगे। तो ऐसा होते होते फिर क्या होगा, जो अपना कथा जो है उसका कर्म जो है उसको करते करते जो तुम्हारे अंदर जो तत्त्वम असि जो महावाक्य जो है कि तत्त्वम असि, उसमें से क्या निकल जाएगा, बोलते त्वम और तू, ये दोनों निकल जाएगा। त्वम त्वम माने कुछ और है, और तत्त्वम तत्त्वम असि, तो बोलते वो दोनों निकल जाएगा, तत् जो है निकल जाएगा, वो जो है तू और त्वम, तू और त्वम ये दोनों निकल जाएगा, और फिर बचेगा क्या, जो प्रत्यगात्मा साक्षी तत् है, वो तत् सिर्फ बचेगा उस पद में ही, उस परमात्मा ही, उस ब्रह्म में ही तुम क्या हो जाओ, स्थित हो जाओ। यहाँ पे ये बोलते हैं, फिर आगे चल के और भी आएगा यहाँ पे कि बोलते फिर आगे चल के जो ब्रह्म जिसको बोलते हैं ना हम लोग, तुम बोलते वो भी बाद में उस शब्द को भी तुम छोड़ो, लेकिन वो आगे आएगा, तो उस तरह के कुछ प्रश्न है आएंगे तो फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच सोमेश्वर जी, दैट वाज अमेजिंग आंसर्स। सो कितना आपने एकदम सरल करके बता दिया। सो वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू इज रिगार्डिंग हम, मतलब हम जो क्रचेस लेके चलते रहते हैं जिंदगी भर, तो उसका कैसे आप यहाँ पे योग वशिष्ठ में उसका तुलना की गई है यहाँ पे, कि हम जिंदगी में जो लेके चलते रहते हैं क्रचेस इतने,
कई सारे के प्रकार के क्लचेस अपने जीवन में हो जाते हैं। ये जो मैं आता हूँ पिक्चर में, तो ये मैं पिक्चर में साथ में क्या लाता है कि अपने जो आइडेंटिटीज जो बना लेता है, ये आइडेंटिटीज के साथ साथ क्या बना लेता है, दूसरों को भी क्रिएट कर देता है, दूसरों से भी नाता बना लेता है। कौन से चीजों से नाता बना लेता है? तो बोलते मैं भाई हूँ, मैं बाप हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ। तो अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप आ जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, पति पत्नी का रिलेशनशिप है। तो बोलते इसमें क्या होता है, ये जब चीजें जब होती है तो देन यू स्टार्ट बीइंग डिपेंडेंट ऑन दैट, उसके ऊपर आप क्या होते हो, निर्भय होने लगते हो। तो बोलते वो निर्भर जाते उसके ऊपर, तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि यू गेट स्टक इन टू दोज रिलेशनशिप। तो देन आपके जीवन में जीवन जीने के लिए वो क्या बन जाती है, इट बिकम्स योर स्क्रैचेस, वो कुबड़िया बन जाती है। और कौन सी कुबड़ी होती है? तो बोलते फिनेंशियल जो होती है, और भी एक कुबड़ी बन जाती है कि अपना जीवन में जो अपना पैसा है, बोलते हैं दैट इज माई फिनेंशियल सिक्योरिटी। पर क्या फिनेंशियल सिक्योरिटी वो होती है सच में? जस्ट टूडे लुक एट, बिल्कुल आज 50 दिन 52 दिन कुछ पूरे हो गए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, कई सारे शहरों के शहर बर्बाद हो गए, कई सारे लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, 50 लाख लोग, 5 मिलियन लोगों को प्रस्तापित होने लगा है। दूसरा विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसी स्थिति इस जगत के सामने यहाँ पे इस प्लैनेट पे आ चुकी है कि बोलते मैक्सिमम शरणार्थी जो रिफ्यूजीज जो होते हैं, वो इतना बड़ा बहुत बड़ा संकट यहाँ पे अभी अपने पास आ गया है। क्यों? तो बोलते यह सारा जो जस्ट इस घर मेरा पैसा, इसको जो फिनेंशियल सिक्योरिटी मान के रखा था, एक क्षण में एक मिसाइल आया और उसने उर्ध्वस्त कर दिया। तो अपनी जीवन में ऐसी चीजें जो क्षण के लिए भी कभी तुम्हारे पास, एक क्षण में जो नष्ट हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, दूसरा क्षण तक नहीं लगेगा, उसको तुम अपने जीवन की फिनेंशियल सिक्योरिटी मानते हो। यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट सो मच, हाउ कैन दैट बी? बोलते वो जो तुम चीजें समझते हो ना, वो तुम्हारी असलियत में दे आर नॉट वॉट योर रियल सिक्योरिटीज। वो बिल्कुल तुम जिसको समझ रहे हो, वो कुबड़िया जो तुम लेके चल रहे हो फिनेंशियल सिक्योरिटी, फिर उसके बाद में दूसरी सिक्योरिटी रिलेशनशिप सिक्योरिटी। कई सारे लोगों ने अपने वहां पे माँ बाप खो दिया, कई सारे लोगों ने अपनी पत्नी को खो दिया, अपने हस्बैंड को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, कई सारे बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, कई सारा चीजें वहां पे हो गया। तो मतलब वो रिलेशनशिप की तुम अपनी सिक्योरिटी मानते हो, वो उसके वो कुबड़ियों को अपने जीवन में लेके चल रहे। तो ये सारों का जो मूल क्या है, क्योंकि तुम हो इसलिए रिलेशनशिप है, तुम हो इसलिए तुमने पैसा कमाया, तुम हो इसलिए तुमने घर खरीदी किया, तुम हो इसलिए तुमने ये सब कुछ किया। बोले तुम नहीं हो तो फिर बाकी बचेगा क्या? क्या कुछ रिलेशनशिप बचेगी क्या? तुम्हारा होना जरूरी है रिलेशनशिप बचने के लिए। जब तुम नहीं बचोगे तो अपने आप जो सारी कुबड़िया जो है अपने जीवन में, जिनको हम लोग लेके चल रहे थे, वो सारे स्क्रैचेस नष्ट हो जाएंगे, अपने आप ही पीछे छूट जाएंगे। वो यू विल नॉट बी डिपेंडेंट। फिर वो अविशिष्ट जो चैतन्य है, वो चैतन्य जिसको किसी कुबड़ियों की जरूरत नहीं है, ऐसे चैतन्य होके तुम रह जाओगे। बोलते इसीलिए इस अहम भावना जो है, अनहम का प्रैक्टिस करके तुम इसको अपने जीवन से, इस मैं जो आई 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 करते रहता है, उसको छोड़ो और उस चैतन्य में स्थित हो जाओ। इस तरह से यहाँ पे कहा गया। थैंक यू, दैट वाज नाइस कि वो क्रचेस कैसे, हम क्रचेस के साथ चलते कैसे, और वो भी इतने सारे लेके चलते हैं, मतलब हमारी स्थिति कैसे होगी। इमेजिन इफ यू इमेजिन ऑल दैट, मेक अ पिक्चर इन इट योर माइंड, इट इज काफी सोचने लायक है। दिस वन मोर दिस रिगार्डिंग द मिरर एंड द वेपर, सो कैन यू एक्सप्लेन दैट एनालॉजी, हाउ इट वर्क्स हियर इन दिस अहम एंड अनअहम? या इफ यू कुड जस्ट म्यूट हिम, यू नो, बिकॉज आई एम विथ माय ईयर। थैंक यू दिगंबर जी भी अपने साथ जुड़ चुके। मोरे सर, तुम्हारा क्या प्रश्न विचार है? यस सर, जस्ट वन मिनट सर। हाँ, टेक योर टाइम, नो वरीज। हाँ सर, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपका जो प्रवचन रहता है, आपका जो सोच है आपकी, या द वे यू डिस्क्राइब इट, सो इट्स वेरी
natural and very simple to understand each and everything, each and every aspect of our life, या जो भी हमारे गुरुदेव ने बताया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें आपने जो बताया ना, अहम, अहं और अनहम, यानी मैं नहीं हूँ, मैं हूँ करके ये इतना सारा पसारा है, प्रपंच है, तो मैं खुद को मैं नहीं हूँ ऐसा तो नहीं समझ सकता, लेकिन मेरी वृत्ति जो है वो वृत्ति मैं वैसे मोल्ड कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दीज जो भी स्क्रिप्चर्स है, जो भी हमने ब्रह्म के नॉलेज में बताया गया है। इसमें उपनिषद में एक श्लोक आता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत् स्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेतः मा हृदः कस्यचिद् धनम्। यानी इस जगत में ब्रह्म तत्व जो है वो सभी में भरा हुआ है, ईशा का वास जो है, ईश्वर का वास, और मैं क्या हूँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेतः, यानी त्यक्तेन ये इस पे जोर देते हुए, यानी ये मेरा नहीं, उसको त्याग करके मुझे भोगना है, उपभोगना है कि ये मेरा नहीं है। कस्यचित् धन गृध, गृध के यानी गीत की जो वृत्ति होती है वैसी वृत्ति मेरे में न आए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी इसका ये ऐसा है कि अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, जब तक आप किसी व्यक्ति से, किसी से आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उससे डिटैच होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप डिटैच नहीं हो गए तब तक आपके मन में वो जो अनहम की भावना है वो नहीं आएगी। तो नेति नेति न इति इति, यानी मैं ये भी नहीं हूँ वो भी नहीं हूँ जैसा आपने बताया है, लेकिन मैं तो हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति में वो नहीं है। सो आई एम जस्ट एज ए ट्रस्टी, वट एवर आई हैव गॉट, वट एवर द ईश्वर हैज गिवन टू मी, सो जस्ट लाइक ए ट्रस्टी, वट एवर आई हैव, सो आई एम गोइंग टू गिव टू द अनदर वन। सो मैं यानी प्रोटेक्टर हूँ उस चीज के लिए, मेरा शरीर है, मेरी संपत्ति है, मेरे बाल बच्चे है, जो भी कुछ है, तो वो उनका संगोपन करने के लिए मुझे भेजा है, सो आई एम फॉर दैट। तो ये जो है ये इसीलिए, यानी वो त्यक्ते ने, वो जो त्याग की जो भावना है, वो भावना यदि रखी तो ही हमें शांति भी मिलती है एंड वी गो टू दैट ब्रह्मोचर, यानी ब्रह्म का तपाद जो है। इसलिए उन्होंने त्याग जो है ये सर्वश्रेष्ठ माना है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागा त्यागात शांति निरंतरम। तो जब तक आप त्याग ही नहीं बनोगे, त्याग नहीं करोगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, शांत नहीं रहोगे। तो ये जो चीजें है ना, ये इतनी अच्छी तरह से मतलब दी हुई है, लेकिन आप और गुरुदेव जैसे समझाते हैं ना, तो ही हमें समझ में आती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई लाइक योर प्रेजेंटेशन, योर प्रवचन इन ऑल हिंदी इंग्लिश में जो भी आप बताते हैं ना, तो आई यूज टू लिसन ऑल दीज थिंग एवरी डे, सो थैंक यू वेरी मच सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मोरे सर, खूब छान तुम्हें स्वतःला व्यक्त करे, बहुत ही सुंदर अपने आप को व्यक्त किया और बहुत सारे ज्ञान के मोती भी उसके साथ जोड़ दिए, तो रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो ज्ञान की जो बात चलती है, वो ज्ञान भी वशिष्ठ मुनि का है, और ज्ञान भी जो उसी प्रार्थना को लेके हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, उसके बाद में जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता नहीं। तो जो ज्ञान है वो ज्ञान भी गुरु का है, और जो है वो भी वशिष्ठ मुनि का यहाँ पे है। तो फिर जो आप जैसे साथी मिल जाते हैं, वो प्रभु रामचंद्र जी की भूमिका जानते, तो सब कुछ है, प्रभु रामचंद्र जी तो ईश्वर का अवतार ही थे, तो फिर भी उसके उनके बावजूद भी उन्होंने कई सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे, और वो प्रश्न उन्होंने पूछे इसके लिए ही फिर आज हम लोग इस ज्ञान के सुनने के लिए यहाँ पे अपने पास मिला। तो मैं भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आप लोग सब लोग यहाँ पे आते हैं, अपने प्रश्नों को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, और उसके ऊपर से फिर जो चर्चा निकलती है उसमें से कुछ ना कुछ तो ज्ञान वहाँ पे मंथन होता है तो निकल के आता है। तो उतना ही कृतज्ञ, उतना ही धन्यवादी मैं भी आप सभी नवनीत निकलता है सर उसमें से, और वो हम सबको मिलता है, तो इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है कि ये जो उपक्रम रखा गया है आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से,
मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग का सर बहुत यानी प्रणेता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, और इंटरनेशनल ये जो है आयुष का वो इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ। एम ए योग, एम ए का योग शास्त्र के पढ़ाई भी हो गई है, आई एम एम ए इन योग शास्त्र। तो हमारे क्लासेस भी ऐसे चालू रहती है, और जो सैटरडे को और संडे को आर्ट ऑफ लिविंग के जो क्लासेस होती है, तो उस क्लास में भी सरस्वती मैम है, तो उनसे भी हमेशा बातें होती रहती है, गुरुदेव का लेक्चर सुनते हैं। आप जैसे आपका भी यानी जब से मुझे पता चला तो मैं शायद ही कुछ लेक्चर आपका छोड़ता हूँ। आई यूज टू अटेंड ईच एंड एवरी लेक्चर दैट यू डिलीवर, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर दिगंबर जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आने वाले सारे लोग जो है ना वो संती है, यहाँ पे आपका होना ही वो दिखाता है कि यू आर ऑलरेडी, आपको प्राप्त है ऑलरेडी, बट वो जस्ट हम लोग मंथन में ला रहे हैं, उस चर्चा को उसको लाते हैं, तो फिर उसका क्या होता है, रिविजन भी अपने लिए हो जाता है। तो बहुत बहुत दिगंबर जी धन्यवाद। दिगंबर जी ने जो यहाँ पे अभी अपने अपने प्रस्तुत किया, तो उन्होंने जो कई सारी चीजें बताई ना, जो अलग अलग जगह पे जिसको रेफरेंस दे सकते, तो योग वशिष्ठ इसमें सुप्रीम क्यों कहलाता है, बोलते वो क्या करता है ना, उसके मूल को नष्ट कर देता है। मूल को नष्ट कैसे करता है, तो बोलते कि हाँ मैं ये हूँ, मेरे ये रिलेशनशिप है, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, उसके लिए आया हूँ, तो बोलते वो क्या है, वो तुम है ही नहीं। अब जब जब जो है नहीं, अभी जो नहीं है, तो फिर उसको नष्ट करने का प्रयत्न क्या करोगे। इट टेक्स लॉट ऑफ ग्रेट एफर्ट, ये योग वशिष्ठ का मूल सिद्धांत जो अभी आएगा, अभी नेक्स्ट जो है ना, यदि आपके पास वो बुक रहेगा ना, तो उसमें वो हेडिंग है कि आत्मज्ञान यह उत्पन्न होने वाला फल नहीं है बोलते, और व्हाट दैट इज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये योग वशिष्ठ का फंडामेंटल सिद्धांत है। ये सिद्धांत में क्या आता है कि कुछ मैं हूं, या ये जगत है, या ये विषय है, ये ऐसा है, ये मान के उसको नष्ट करने का प्रयत्न करो, ये एक बात है, ठीक है। यदि आप ऐसा करना चाहते हो कि ये है और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, उसके पाथ के ऊपर चल के उसको नष्ट करने का प्रयत्न करता हूँ, तो भी बोलते ठीक है, बट ये बोले कष्टदायक है, उपना थोड़ा लंबा चौड़ा है, कष्टदायक है। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं, वो है ही नहीं, वो मिथ्या है, वो माया है, वो है ही नहीं। अभी जो है ही नहीं, उसको तुम प्रयत्न क्या करोगे मिटाने का, तो थोड़ा बोलते उसको डायरेक्ट जंप लगा दो, तो वो है ही नहीं, उसको छोड़ो, तो वो अनायास छू जाए। या दूसरा बताते कि वो क्या है, वो स्वप्न है, लेकिन वो सत्य नहीं है, काल्पनिक है, स्वप्न है। अब जो स्वप्न में देखी चीज, जैसे स्वप्न में अपने किसी मृत्यु हो जाती है, स्वप्न में अपने सर पर ही देख लिया, तो जैसे कोई आपको हाथ हिला के आपको जगाता है, जैसे ही आप अवेयरनेस में आ जाते हो, जो गुजर रहे थे उस स्वप्न से, किसी की मृत्यु हो गई थी अपने स्वप्न में, क्या वह दुख अभी रहेगा, वो जो डर था वो सर्प के भति, क्या अभी रहेगा वो डर, तुरंत ही नष्ट हो जाएगा, तुरंत पलक झपकते ही क्षण मात्र में नष्ट हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल चुटकी बजाते ही नष्ट हो जाएगा। बिकॉज क्या हो गया, आप उस स्वप्न से निकल के आप जागृत अवस्थे में, आप वर्तमान में आ गए, वर्तमान में आ गए, तुरंत नष्ट हो जाएगा। बोलते यह बहुत बड़ा सिद्धांत है योग वशिष्ठ का, कि नहीं तो फिर क्या करो, वो है, उसको है मान के उसको नष्ट करने का प्रयत्न करो, बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट। तो यहाँ पे बोलते वो है ही नहीं, ऐसी भावना करो, ऐसा प्रैक्टिस करो, ऐसा अभ्यास करो, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सो इट्स वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल। बोलते ऐसा नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा पता है क्या, आप उस चक्कर में अटक जाओगे, दैट सर्कल जो है ना, वो सर्कल में आप अटक जाओगे, तो उसमें क्या कहेंगे, द नेक्स्ट जो है टॉपिक, वहां पे द नेक्स्ट टॉपिक इज कि आत्मज्ञान जो है, वो आत्मज्ञान ये उत्पन्न होने वाला फल नहीं है। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को कहते हैं, हे रामा, यह जो जीव भाव है नष्ट हो गया, और ये नष्ट होने के बाद आत्मज्ञान यहाँ पे नया कुछ घड़ामोड़ होके अपूर्व फल उसके रूप में प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा उत्पन्न अपूर्व फल उत्पन्न होता है बोलते, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों, ये यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है, वही ऐसे क्यों बताया गया, बोलते अदरवाइज क्या होगा बताया क्या, आप क्या सोचोगे
मैं साधना कर रहा हूँ, मेरे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, आई एम डूइंग सम प्रैक्टिस, साधना कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, उससे हो गया। तो बोलते सारे जो प्रिंसिपल है, नीति नीति प्रिंसिपल, अनाम भावना का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सारे जो अपने को जो भी अलग अलग टेक्निक्स जो है जो हम लोग अपने जीवन में उसको उतार रहे, उसकी प्रैक्टिस से मुझे क्या होगा, कुछ और बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा, ऐसा यदि सोचोगे तो देन यू आर स्टक, देन आप किस में बस जाओगे, वो अलब्ध भूमिकत्व, जो पतंजलि योग सूत्र में जो 8th ऑब्स्टेकल बताते हैं अलब्ध भूमिकत्व, और जो 9th ऑब्स्टेकल बताया है अनावस्थी तत्व, बोलते आप उसका क्या बन जाओगे, हिस्सा बन जाओगे, बिकॉज आप सोचोगे कि मैंने कुछ किया और वो करने से मुझे कुछ प्राप्त हुआ ना, ये प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे एंड देन यू विल बी पार्ट ऑफ दैट विशियस लाइफ साइकिल। तो उसमें से यदि निकालना है तो बोलते जो जो आत्मज्ञान जो है, जो तुम हो, वो उत्पन्न नहीं हुआ है, वो है, आपको क्या हुआ, और वही रिलेटेड है प्रश्न जो संगीता जी ने अभी जो प्रश्न पूछा था कि जो आईना बताया है और आईने के ऊपर जो हम लोग भाव देते हैं, फॉग आ जाता है या धूल मिट्टी बैठ जाती है और उसको हम लोग पोछा लगा के उसको साफ कर देते हैं, तो साफ कर देते तो आईना उत्पन्न नहीं हुआ, या तो उत्पन्न नहीं हुए जो उसका प्रतिबिंब आईने में दिख रहा है, वो क्या था, इन बिटवीन जो इग्नोरेंस, जो अज्ञान के बादल छा गए थे, उन अज्ञान के बादल को क्या किया आपने, साफ किया। तो जैसे ही इस अज्ञान के बादल को साफ किया, तुरंत अपने आप वो जो मिरर था उसमें आपका ही, वो आपका चैतन्य क्या बन जाता है, मिरर के बात ही वापस होता है, और फिर आप उसमें क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, तो वही बात हो जाती कि आपका सिर्फ प्रतिबिंब वहां पे रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो बोलते बात होती है कि उस आईने को क्रिएट नहीं करना है, उस आत्मा को क्रिएट नहीं करना है, आत्मा को तुम क्रिएट नहीं कर सकते, आत्मा है, आदि है, अनादि है, जर है, अमर है ना, कई सारी संज्ञा से जिसको हम लोग पुकारते हैं, वो चैतन्य जो है वो है, उसको तुम क्रिएट नहीं कर रहे हो, इट्स नॉट समथिंग, तुम्हारी साधना का फल के स्वरूप में, अपूर्व फल के स्वरूप में वो आत्मा क्रिएट नहीं हो रहा है। इसके लिए जो वर्ड जो बोलते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, यू आर जस्ट रियलाइजिंग इट कि वो तुम हो, सेल्फ क्रिएशन नहीं होता है कभी, या सेल्फ इनोवेशन नहीं होता है, इट्स जस्ट डिस्कवरी कि सेल्फ है और तुम उसको जस्ट रियलाइज कर रहे, यू आर जस्ट रियलाइजिंग दिस। इसलिए जो वर्ड है ना, वो वर्ड भी इतना सुंदर है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, वर्ड क्या है, आत्म साक्षात्कार, तुम्हें साक्षात्कार हुआ, किसका, खुद का, किसी और का नहीं, नॉट समवेयर सिटिंग देयर आउटसाइड, वहां पे कहीं और, वहां पे स्वर्गलोक में नहीं बैठे, तुम खुद जो तुम्हारे अंदर है उसी का साक्षात्कार, माने आत्म साक्षात्कार, खुद का ही, खुद को ही साक्षात्कार होना, वही एक सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति होती है, वही आत्म साक्षात्कार यहाँ पे कहता है। तो बोलते उसका जब होता है तो वो अपने आप ही जो शांति हो, जो निर्वाण है, जो ज्ञान का फल हो, पहले से ही नित्य सिद्ध है, बोलते वो इट्स ऑलरेडी देयर ना, इसलिए बोलते कि आप ही प्रेम हो, आप ही शांति हो, आप ही आनंद हो, तो ये शांति आनंद ये कुछ नया उत्पन्न नहीं हुआ, बोलते तुम ऑलरेडी हो। इतना सुंदर है ये सिद्धांत, इतना सुंदर है, इससे क्या बचेगा पता है क्या, आप बचे जाओगे उस प्राप्ति से कि मुझे और कुछ प्राप्त होने वाला है, तो कुछ और प्राप्त होने वाला है, फिर वो अनुभव आता नहीं है, 10 साल की प्रैक्टिस 20 साल की प्रैक्टिस और अनुभव नहीं आता है, या वो अनुभव आता है वो टिकता नहीं है, बोलते वो अनुभव में, उन एक्सपीरियंसेस में आप फंस जाओगे, तो फिर अनावस्थी तत्व, अलब्ध भूमिकत्व वाला ऑब्स्टेकल आपके जीवन में आएगा, अनुभव तुम्हें बॉदर करेगा। इसलिए कहते हैं कि वो कोई उत्पन्न होने वाला फल नहीं है, माने कुछ तुम ये करने के बाद तुम्हें और कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये स्थिति नहीं है, वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, यू आर ऑलरेडी दैट, तो इस बात को मान लो। तो जो तृप्ति और जो समाधान है वो समाधान से शुरुआत होगी, आप तृप्त होके चालू करोगे तो 10 साल के बाद भी तृप्त ही हो, आज कुछ तो आज भी तृप्त ही हो, तो बोलते कुछ प्राप्त करके समाधानी होगा उसके बाद में हैप्पी होगा, ये नहीं है, आप आनंद हो ऑलरेडी, आप शांति हो ऑलरेडी, आप प्रेम हो ऑलरेडी, वो आत्मा ऑलरेडी हो आप, वो ऐसा जानकर या मानकर, उसको श्रद्धा रखकर,
फिर यू डू एवरीथिंग, फिर और कोई प्राप्त करने की इच्छा बचेगी नहीं, इच्छा नहीं बचेगी तो अनवस्थित तत्व अलब्ध भूमि तत्व क्या ऑब्स्टेकल भी आपके जीवन में बाधा बन के नहीं आएंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया। फिर और आगे जाके फिर बोलते हैं कि जो तुम्हारा जो साधना के जो स्टेप्स होते हैं अलग अलग टप्पा जो होता है उसमें जाके तुम्हारा आत्मा जो दूसरी वस्तु है ऐसी धारणा को क्या करो छोड़ो, और बोलते हैं उसको युक्ति पूर्वक अपने जीवन में लाओ, और उसके बाद में क्या करो आखिरी में यह ब्रह्म, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना ब्रह्म में है, ब्रह्म में, तो यह ब्रह्म शब्द और उसकी उपमा बोलते और उसके दृष्टांत ये है, ये अभी अखेरी इसको बोलते रुकना पड़ेगा, ये भी आपको रोकना पड़ेगा बिकॉज वो भी कल्पित ही है। हम लोग आज तक जो बोलते हैं ना आत्मा बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, शिव बोलते हैं, चैतन्य बोलते हैं, बोलते ये सारे शब्द जो है दे आर जस्ट मियर वर्ड्स, वो कल्पित वर्ड्स है तुम्हारे। डू यू रियलाइज दिस, क्या आप इससे अवगत हो रहे हो क्या, वो भी शब्द है बस। बोलते उन शब्दों को भी छोड़, शब्दों को भी छोड़, उस ब्रह्म शब्द को भी छोड़, बल्कि जो है उनका जो भी कल्पित है और अपने आप में स्थित हो जाओ, और वो अपना आप कौन है हम नहीं जानते, दैट इज अनदर सिद्धांत। क्यों नहीं जानते, बिकॉज मैंने जान लिया ये अहंकार बन जाएगा, तो बोलते वो अहंकार बनने के लिए जगह ही नहीं छोड़ते कि मैं जो है उसको मैं नहीं जानता, आई डोंट नो दैट। तो वो डोंट नो वाली जो स्पेस है वो हमेशा बरकरार रखना, बिकॉज उसी से आपकी जिज्ञासा बरकरार रहेगी, और जो फिर उसके लिए जो चल रहा है वो सारा आखिरी सांस तक चलेगा, सारी क्रियाएं आखिरी सांस तक चलेगी, कुछ और एडिशनल प्राप्त करने के लिए नहीं, जो है उसी में स्थित होने के लिए बरकरार रखने के लिए। तो मतलब यह जो है ये निस्सार जो है ये अहंकार, उसको छोड़कर तुम जो ब्रह्म स्वरण है उसको भी तुम अपने जीवन में लाओ, बिकॉज क्या बोलते जो सोना जो है वो अलग अलग जो अलंकार या अलग अलग जो फॉर्म्स दिखाई दे रहे उसमें वो सोना ऑलरेडी है, वो सोने से ही बना है, वो चैतन्य से ही बना है, तो उसको अलग अलग नाम फॉर्म तुम देके बोलते तुम ऐसे करो और फिर उसमें वो सोना वाली वो दिखता है, उस रियलाइजेशन आता है, तो उसमें हे राम इतना बड़ा नवल क्या है बोलते, इसमें इसमें इतना आश्चर्य क्या है, वो ओबियस है बोलते वो तो होना ही है। तो इसके लिए ऐसे अनहम भाव की जो प्रैक्टिस है उससे जो अहंकार करते ऐसे ये कहता है ऐसे थे अपने आइडेंटिटी को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है लोगों को, बोलते वो तो इट्स वेरी ओबियस एक्चुअली, ये ज्ञान जब आता है तो बोलते इट्स वेरी ओबियस, वो अपने आप ही उसका निराश यहाँ पे हो जाता है। और फिर वही एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं जो आशा रहता है आईना होता है उसके ऊपर जो भाव डालते हैं उस भाव को जैसे वो दूसरी और मलिन हो जाता है उसकी वजह से दिखता नहीं है, जैसे ही आप उसको क्लीन कर देते हो तो इट्स वेरी ओबियस। तो इसको और एक एग्जाम्पल वहां पे देते कि जो अपना जो प्रतिबिंब होता है चैतन्य उसमें वो दिखता है अपने आप ही होता है, तो अपने आप वो दिखाई नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बोलते, तो बोलते हे रामा इसका तात्पर्य क्या है, बोलते कि इसका तात्पर्य वही है जो सर्वश्रेष्ठ जो आत्म वस्तु है, जो सर्वश्रेष्ठ स्वयं प्रकाश जो चितात्मा है, वह भावना वही मैं ही हूँ। ऐसे तादाद का जो उत्पत्ति है उससे साध्य या होने वाला जो अलग से कोई फल नहीं है, तो बोलते वो जो आत्मा है वो नित्य सिद्ध है, वो हमेशा से ही है, वो उसको तुम अपना जीवन में क्या करो, मैं कुछ प्राप्त करूंगा ऐसी भावनाओं को छोड़ो, और अभी आज इस क्षण में ही वो तुम हो, इस बात को तुम मान लो, समझ लो, जान लो, या जस्ट बिलीव दैट। कि उसके बाद में फिर बचता है कि ये सारा सब कुछ जो है यह मैं नहीं हूँ, ये सारा जो उसका श्रेय साधन होता है दिखने नहीं लगता, प्रथमी दृष्टि जो व्यक्ति का जो अहम भाव होता है वह तुम्हारे शरीर में अभिमान जो होता है वो अपने आप छूट जाता है, और फिर जो बचता है वह निर्विकार शांत निष्प्रपंच ब्रह्म, यही भावना इस सृष्टि का बाध करके उस कामादि बल और चित्त वृत्ति से रहित होके रह जाती है। इस तरह से वशिष्ठमुनि प्रभु रामचंद्र जी को यहाँ पे समझाते हैं। तो यहीं पे अपना जो चैप्टर नंबर 90 है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो फिर मैं भी अपनी वाणी पे आपके विश्राम दे देता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। यदि आपको कुछ व्यक्त करना है या आपको कुछ प्रश्न है तो जरूर आप उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। ओवर टू यू ऑन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। हेलो, ये तो है आवाज, बोला। हाँ हाँ, खूप छान म्हणजे सरांनी हे केलं, एक्सप्लेन केलं योग वशिष्ठ, परत वेगवेगळ्या याच्यातनं
म्हणजे मी कोण आहे. आता याच्यात दोन गोष्टी सर, एक ज्ञानी दुसरा अज्ञानी. जो ज्ञानी है उसको पता है मतलब मैं जो हूँ मैं नहीं हूँ, जो हम समझते हैं दूसरा समझते है वो मैं नहीं हूँ लेकिन वो ज्ञानी है. तो ऐसे दो ये रहते हैं, जैसे आपने बताया कि मिरर है, मिरर को यदि साफ किया तो खुद का प्रतिबिंब जो है तो वो तभी पता चलता है जब उसके ऊपर से वो धूल हटा दिए. लेकिन ये धूल जो है सर, ये हमारे बचपन से, जैसे हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद वो धूल जो है वो यानी लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, ऐसे यानी जो संस्कार होते हैं हमारे घर से, समाज से, स्कूल से, तो वो जो लेयर वन अपॉन द अदर, तो जब तक हम वो लेयर निकालते नहीं वन बाय वन थ्रू दीज अष्टांग योग, तब तक यानी खुद का जो है वो पता नहीं चलता. इसीलिए दो चीजें है, एक तो अज्ञानी और ज्ञानी. जैसे आपने बताया कि ज्ञानी लोगों को ये पता रहता है या मैं यानी मनुष्य नहीं हूँ, सो आई एम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि. लेकिन यदि समझो, इसका एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा दिया. दूसरा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, यदि हमें एक नदी क्रॉस करनी है, मुझे यदि तैरना नहीं आता तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ जो भी नाव है, उसका हेल्प लूंगा मैं और उस किनारे पे जाऊंगा. और दूसरे किनारे पे जो है वो आत्म तत्व है, इस किनारे पे जो है तो ये माया है, संसार है, तो ये संसार से मुझे उधर जाना है. तो जो ज्ञानी लोग है उनको तैरना आता है, वो ज्ञानी लोग है, वो डायरेक्टली वो जाते हैं. लेकिन मेरे जैसे यानी नॉर्मल आदमी को वो उसका केवट का सहारा लेना पड़ता है. तो वैसे ही यदि हमें यदि ऐसा बोला जाए कि मैं नहीं हूँ ये नहीं हूँ, लेकिन वो समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, जब तक मैं सहारा नहीं लेता अष्टांग योग का या ज्ञान, मैं अज्ञान हूँ पहले ये तो मानना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ, तो फिर देन एंड देन आई विल ट्राई टू गेट दैट नॉलेज, टू एक्वायर दैट वन. तो फिर उसके कई सारे तरीके है, कई सारे वेज है. तो सो वन बाय वन आई विल स्टार्ट एक्वायरिंग दैट नॉलेज, जो ज्ञान है. तो ज्ञान एक्वायर करने के बाद देन आई विल डेफिनेटली अप्रोच और रीच टू दैट ब्रह्म तत्व, देन मेरी खातरी हो जाएगी. तो मैं ये जो है मैं शरीर नहीं हूँ, ये मतलब मैं जो आत्मा हूँ, वो जो जीवात्मा है वो परमात्मा के अंश, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं. तो ये तब यानी जब मेरा अज्ञान निकल जाएगा, ये जो लेयर से ये निकल जाएंगे, तो मेरा जो आत्म तत्व है तो फिर उसका आत्मदर्शन होगा. तो दृष्टा भाव जो है वो तदा दृष्टि स्वरूप व स्थानम जो बताया, तो हमें खुद का, खुद की दृष्टि हमें वो प्राप्त होती है, खुद को देखने की, पहचानने की. तो इसीलिए हमें वो सहारा लेना पड़ता है, जैसा बताया, जैसा आपने बताया कि वो मिरर का वो जो धूल है, तो वो धूल झटकना यानी क्या है, तो ये ज्ञान अक्वायर करना या संत लोगों से सुनना, आप जैसे यानी लोग प्रवचन करते वो सुनना, उसमें अपने जीवन में उसका अंतर्भाव करना, तो तभी मतलब ये जो है स्टेप बाय स्टेप देन वी विल बिकम ज्ञानी एंड वी विल नो अवर सेल्फ. तो ये जो ये निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है तो ये डेली, जैसे अभी सवेरे शाम आपके प्रवचन रहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, दूसरे और जगह पे, तो ये हरेक यानी सुन के और वैसा आचरण करके, तो फिर वी कैन गेट दैट पोजिशन. तो बहुत अच्छा आप पढ़ाते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू वेरी मच सर. बहुत बहुत सुंदर. इसलिए ना गुरुदेव इस बात को कितना मतलब गुरुदेव ने देखो ना कितना करुणा है उनके अंदर. इसीलिए जो अभी जैसे दिगंबर जी ने कहा ना कि ठीक है भाई, आप सामान्य व्यक्ति जो हमारे जैसे, हम सब जैसे सामान्य व्यक्ति है, हमें ये बात इमिशियली यदि साडनली कोई कर देता है, ऐसे बोलता है कि ये भाई जगत मिथ्या है, ये जगत सत्य नहीं है, तो थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है. बिकॉज हम लोग साइंस पढ़े रहते हैं, विज्ञान पढ़े रहते हैं, अपने को लगता है अरे है तो दिखता तो है, फिर कैसे नहीं है, कैसे तुम बोल सकते हो. तो आज तो साइंस भी इसको स्वीकार करता है कि जो बोलते आज साइंस मैटर को मान, बिकॉज स्ट्रिंग थियरी आ गई ना. स्ट्रिंग थियरी क्या है, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर था. अब तक तो अणु को हम लोग छोटा समझते थे, सबसे छोटा, लेकिन अभी क्या हो गया, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप वगैरह टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो अभी उस न्यूक्लियस को भी भेदन करके आगे चले गए. वो एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर घुस के देखिए, तो वहां पे उनको क्या मिला, इट्स जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी, जस्ट स्ट्रिंग कहते हैं.
जस्ट स्प्रिंग थे, तो दैट्स द लेटेस्ट रिसर्च, दैट्स द लेटेस्ट थियोरी इन अपने क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स में ये आती है लेटेस्ट थियोरी, तो आज मान रहे, बट ये तो अपने ऋषि मुनियों ने कई सारे सालों, हजारों सालों पहले यही बात कह दी थी, जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी, ये जस्ट सब एक चैतन्य है, कई सारे हजारों साल पे यही बात बोल दी थी, दे न्यू दिस कि जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी, या फिर मैटर नाम का, द्रव्य नाम की कोई वस्तु है नहीं, जगत जो तुम स्थूल जो समझते हो, या फिर स्थूल चीज कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल चैतन्य ओनली, इट्स ऑल जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी, जो साइंस उसको आज डिस्कवर करके उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये योग वशिष्ठ का नॉलेज को सुप्रीम क्यों कहा गया, व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुप्रीम? तो यहाँ पे जैसे भी दिगंबर जी ने कहा ना कि ये सारे पाथ हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अष्टांग योग जो पाथ का, जो अज्ञान को हटाने, दूर हटाने के अलग अलग पाथ हो सकते हैं, बट योग वशिष्ठ में इट्स कॉल्ड योग। अब तक हम लोग योग को सिर्फ गलत धारणा की वजह से, आसनास को सिर्फ योग समझते थे, बट ज्ञान भी योगी है, इसलिए जो बोलते हैं ना कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तो बोलते ज्ञान भी योगी है इसको, या फिर वशिष्ठ ने बताया क्या है, ज्ञान बताया है, ज्ञान बताने के बाद ज्ञान को ही योग बोला है, योग वशिष्ठ बोला है, लेकिन कोई किताब पढ़ के उठा के देख लेते तो क्या मिलेगा इधर, इट्स ओनली नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज एंड नॉलेज। तो बोलते ये जो नॉलेज है ना, यह विचार जो है, ये बुद्धि से प्राप्त हुआ जो विचार जो है, बोलते ये विचार को करते करते ही इंसान उस आत्मदर्शन को प्राप्त करता है। इनफैक्ट वशिष्ठ मुनि इज वेरी क्लियर अबाउट इट, वशिष्ठ मुनि इस बारे में क्या बोलते हैं कि अलग अलग पाथ हो सकते, जैसे भूषण ने अपने जीवन में अपनाया, भूषण को जीवन में ज्ञान का मार्ग नहीं था अवेलेबल, वो बोलते मैं कौवा था, मेरे जीवन में मुझे ज्ञान समझ में नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, मैंने जो दूसरा जो वाला मार्ग था, जो श्वसन जो था, प्राण था, प्राणों का निरोध करके मैंने क्या किया, उसको प्राप्त किया। सो दैट वाज अनदर पाथ कि अपने जीवन में अष्टांग योग जो है, आसनास, यम नियम आसनास, उसमें से जो पाथ था, जो श्वसन था, जो उसको निरोध करके, प्राणों का निरोध करके वो कुंभक लगा कि मैंने वो जीवन में प्राप्त किया आत्मदर्शन। जैसे ही आत्मदर्शन प्राप्त हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, ज्ञान अपने आप आ गया, ज्ञान उन्होंने अर्जित नहीं किया। कबीर कहीं पे स्कूल में नहीं गए ना, कबीर ने कोई बहुत सारे किताबें पढ़ी नहीं, पढ़ी ना, फिर उनके पास इतना ज्ञान कहाँ पाएगा। अपनी बहिना भाई जगह से जो है, उनकी कई सारी बहिना भाई की कविता है, इतना सारा पूरा ज्ञान ना उनका है, अरे खोप्या मंदी खोपा सुगरणी चा चांगला, देखा पिला साठी तीन जीव झाडले टांगला। शी इज इलिटरेट, वो उन्होंने लिख ही नहीं पाती थी इन बात को, वो सिर्फ गाती थी, वो बोलती थी, तो आजू बाजू के लोग ने जब सुना तो बोलते ये क्या ज्ञान निकल रहा है, तो जो आजू बाजू के लोगों ने उसको लिख लिया, वो जो गाती थी उसको, तो बोलते ज्ञान, तो वो कहीं पे इलिटरेट थी, कोई कोई से स्कूल में नहीं गई थी, कुछ नहीं था, फिर भी जो था बोलते सेल्फ रियलाइजेशन जब हो जाता है तो ज्ञान वहां पे स्थित है, बोलते तुम ज्ञान के स्रोती हो। तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि इज वेरी क्लियर अबाउट इट, तो वहां पे बोल रहे कि यू डोंट वेट फॉर दैट नॉलेज टू डॉन बिकॉज यू आर नॉलेज। वो आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस के से, या आर्ट ऑफ लिविंग, या अष्टांग योग, ये इतने साल की प्रैक्टिस करके तुम्हें प्राप्त होगा, इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। यस, इट विल हेल्प यू, नो डाउट इट विल हेल्प, तभी तो ना गुरुदेव ने बनाया, नहीं तो गुरुदेव क्यों बनाते, तो वो हेल्प करते जरूर है, बट वो आवश्यकता है ये बात नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आज सुदर्शन क्रिया है, अपने को पता है कि सुदर्शन क्रिया से क्या मिलता है ना? हम लोग 2000 घंटे सुदर्शन क्रिया के बेनिफिट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, रिसर्च उसके ऊपर किया हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ सुदर्शन क्रिया ही सिर्फ तरीका है आत्मज्ञानी बनने का? तो आंसर विल बी नो, बिकॉज सुदर्शन क्रिया तो अभी इन्वेंट हुआ, गुरुदेव ने अभी ना, इससे पहले कोई आत्मज्ञानी बने नहीं क्या? इससे पहले सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, फिर जो हम लोग गुरु परंपरा करते हैं, शंकराचार्य, मध्यमम, वशिष्ठ मुनि, सदाशिव समारंभ, वो लोग भी आत्मज्ञानी बने, मुक्त हुए, तब तो सुदर्शन क्रिया नहीं थी। तो अपने को सारे ये जो कॉन्सेप्ट जो अपने मन में पालते हैं हम लोग कि दिस इज द ओनली वे, उससे मुक्त होना पड़ेगा अपने को, यू हैव टू गेट फ्री फ्रॉम दैट।
तब जाके आत्मदर्शन होगा, तब जाके सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तब जाके इट विल डॉन। सो वशिष्ठ मुनि बता रहे कि छोड़, अब भी छोड़, इस क्षण में छोड़ सबको, तुम मुक्त हो, यू आर फ्री राइट नाउ। नॉट दैट आई विल वन फाइन डे आई जॉइन आउट ऑफ लिंक कोर्स, आई विल डू द प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स, देन माइट आई माइट गेट आत्मदर्शन। बोलते छोड़, गुरुदेव भी यही कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं इस समय छोड़ सब कुछ, इस समय छोड़। जब वो आ रहे थे अपने त्रिवेणी आश्रम में, गुरुदेव आए तो त्रिवेणी आश्रम में गुरुदेव ने आके क्या कहा, बोलते टुडे आई विल गिव यू द सुप्रीम नॉलेज, टॉपमोस्ट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। बोलते तुम क्या बोल रहे हो कि ये तुम प्रश्न पूछते जाते हो, उत्तर रहता हो, प्रश्न पूछते हो उत्तर। बोलते ये जो तुम बोलते हो ना कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ डे बाई डे, कैन यू स्टॉप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, इस क्षण मुझे इम्प्रूव होना है, मुझे इम्प्रूव होना है, मुझे इम्प्रूव होना है, मुझे आत्मज्ञान, मुझे प्राप्त। अब जो प्राप्त करना है वाली बात में आ जाते तो अटक जाते हैं। बोलते कैन यू ड्रॉप इट राइट नाउ, इस क्षण छोड़ सकते हो क्या? बोलते सब कुछ छोड़ अभी, इम्प्रूव बनना है तो भी छोड़, सब कुछ जब छोड़ दोगे उसी क्षण, उसके लिए देरी नहीं, और उसके लिए बोलते पलक झपकने की भी देरी है, बोलते उसी क्षण मुक्ति और मोक्ष का अवेयरनेस जो सजगता है वो तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो जाएगी। तो योग वशिष्ठ का सार ही है कि शुरुआत से ही तुम डोंट वेट, योग वशिष्ठ पूर्ण हो जाएगा तब मैं मुक्त हो जाऊंगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं बहुत सारी साधना करूंगा, फिर वो महल साफ होगा, तब जाके दिखेगा। बोलते नहीं, छोड़ ये सब बात। बोलते जो रियल जो ज्ञान है ना, ये तो सारे शब्द है, जो रियल जो ज्ञान है तुम वो ज्ञान ही हो, यू आर दैट सोर्स ऑफ दैट नॉलेज, यू आर दैट सोर्स ऑफ मुक्ति, मोक्ष, शांति, आनंद, परमानंद, जो भी है तुम ही हो। उस बात को तुम मान लो, जान लो, समझ लो, या श्रद्धा रख के बिलीफ, उसके ऊपर श्रद्धा, पूरा कृतज्ञता, तो आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर तो बाकी की सारी चीजें जो है वो तो कर ही रहे, बट इस बात को देखो। तो ये कई सारे उदाहरण यहाँ पे आएंगे अभी निर्माण प्रकरण में, यू विल सी कि कई सारे जो लोग है ना जिन्होंने ऐसा अष्टांग योग करके अपना कई सारे करके ना सिद्धियां प्राप्त कर लिए, दे हैव ऑल द सिद्धीज बट दे स्टिल डू नॉट हैव द आत्मज्ञान, और उसकी वजह से दे आर डूइंग देयर स्टक, तो दे विल बी गादी ब्राह्मण एंड ऑल दिस, यू विल कम अक्रॉस ऑल दो स्टोरीज। आगे चल के यू विल सी कैसे वो सब कुछ है उनके पास, दे हैव डन ऑल द प्रैक्टिसेस, उनके अंदर वो स्किल्स आ गए हैं, वो प्रैक्टिस कर करके साधना कर करके आत्मज्ञान नहीं आया, आत्मज्ञान नहीं आएगा तो वो व्यर्थ है जीवन में। सो ऑलवेज अपना प्रायोरिटी ऑलवेज सेट रखना, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज टू बी आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, वो सेल्फ रियलाइजेशन, वो मुक्ति मोक्ष, दैट इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, दैट नीड्स टू बी अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ये पूरा फंडामेंटली क्लियर है ना कि मेरे प्रयत्नों से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, अब प्रयत्न से होगा, और उसके बावजूद भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं दो अपोजिट चीजें बोल रहा हूं, मैं आत्मज्ञान तुम्हारे प्रयत्नों से प्राप्त नहीं होने वाला फल है, आत्मज्ञान ये उत्पन्न होने वाला फल नहीं है तुम्हारे प्रयत्नों से। वशिष्ठ मुनि इज वेरी क्लियर अबाउट इट, डोंट वेट और 10 साल की प्रैक्टिस और 15 साल की प्रैक्टिस, नहीं। आज कोई आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है या नहीं है, आज है उसने इस विचार किया ऐसा हुआ, वो एनलाइटन हो सकता है, मुक्त हो सकता है इसी क्षण, और 15-20-25 साल की प्रैक्टिस में भी अभी भी उस आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज आत्मज्ञान वो प्रैक्टिसेस का फल नहीं है। बी वेरी क्लियर अबाउट इट, अभी भी प्रश्न मन में बाकी है तो क्लियर दैट, उस सारे डाउट्स को निकालो अपने, मतलब उसी क्षण तुम मुक्त हो, यू आर ऑलरेडी फ्री, यू आर नॉट ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ फ्री, you are already free।
आप आत्मज्ञानी ऑलरेडी ही हो। बाहर से जो मिल रहा है ना वो सुई के नोक के ऊपर भी नहीं है, वो ज्ञान सुई के नोक के ऊपर भी नहीं है, जो एक्सटर्नल शब्दों में जो मिल रहा है वो बोलते हैं तो ज्ञान का स्रोत ही तुम ही हो। इसको बहुत फंडामेंटली अपने जीवन में उतार लेना, यही सार है। बात से उत्पन्न होने वाला फल नहीं है बोलते हैं, इट्स नॉट आउटकम ऑफ समथिंग एल्स, यू आर ऑलरेडी दैट। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत अच्छा। आपको खाली डिस्कवर करना है जिसके आत्मा को, डिस्कवर जो कवर हुआ है आपके इसमें है, लेकिन इस दिगंबर जी ने उसको जो कवर है वो निकालना है, निकालना है बस, डिस्कवर करना है। यू नो दैट यू आर द ब्राह्मण, आप ही हो, लेकिन वो जो कवर हुआ है ये जाल का तो वो निकालना है, दैट मींस यू विल रियलाइज। इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन बहुत अच्छा वर्ड है, सेल्फ रियलाइजेशन। और जो ब्रह्म भी जो बोल दिया है ना दिगंबर जी, वो भी अपनी यहाँ पे, आई जस्ट रीड दैट पैरा ना, तो वहां पे मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या कहा गया। ब्रह्म हा शब्द क्या उपमा त्याचे दृष्टांत हे ही अखेरीस थांबले पाहिजेत, ते ही कल्पितच आहे। माने जो अब तक हम लोग जो अहम ब्रह्मास्मि मैं वो ब्रह्म हूं मैं योग वशिष्ठ, उस संकल्पना को तोड़ रहा है, बोलते हाउ डू यू नो कि ब्रह्म ही है, क्या गारंटी है? तो वो ब्रह्म शब्द तुमने तैयार किया हुआ है, हमने की वो संकल्पना, वो कल्पित है, कल्पित है, ब्रह्म कल्पित है बोल रहे, बिकॉज जो सत्य है वो हम लोग जानते नहीं, और जानने की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति है ही नहीं, बस ब्रह्म विष्णु शिव नारायण ये शब्द है, और वो शब्दों को हमने अपनी समझ के लिए क्रिएट किए। तो बोलते उनको भी छोड़ो, वो जो दोनों वाली स्पेस है उसमें जाओ, बिकॉज वो जान तुम्हारी जो बुद्धि है उसको कभी जान नहीं पाएगी। बोलते जो बोलेगा ना कि मैंने जान लिया, बोलते जो आके बोलेगा ना अहम ब्रह्मास्मि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैं ब्रह्म हूं, तो फिर कुछ नहीं जानता हूं। सही बात है, ऑब्जेक्ट को जाना जाता है, जो ऑब्जेक्ट है कैन बी नोन, लेकिन ब्रह्म तो यानी आत्मा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट है, बिल्कुल हम लोग जान नहीं सकते उसको। इस बात को अपने पल्ले बिल्कुल बिठा लेना कि मेरी बुद्धि उसको जान नहीं सकती, तभी तो ना उसको किसी ने भी आज तक कितने प्रयत्न किए, व्हाट इज द आउटकम, क्या बोलते वो, मैंने उसको एक्सप्रेस करने का प्रयत्न किया, वो कैसा है, बोलते आदि है अनादि है अनंत है अजर है अमर है, ये सारी संज्ञा है, दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स। कैसे है एडजेक्टिव्स, फाइनाइट नहीं है, बिकॉज शब्दों में फाइनाइट तरीके से व्यक्त ही नहीं कर सकते उसको, इट इज ऑलवेज इनफाइनाइट ही रहेगा, इट विल ऑलवेज रिमेन, इट विल ऑलवेज रिमेन अननोन टू योर बुद्धि ऑलवेज। तो मैं ब्रह्म हूं ये मैं जानता हूं, यह कभी हो ही नहीं सकता, मतलब वो अज्ञान है, वो कल्पित है, तुम्हारी कल्पना है, तुम कभी ब्रह्म, जो ब्रह्म तुमने बोला जो है उसको हम लोग पुकारते चैतन्य है ब्रह्म है आत्मा है परमात्मा है, हम लोग पुकारते अपनी समझ के लिए, बिकॉज यू पुट इट इन वर्ड्स, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, बट अदरवाइज वो शब्द भी कल्पित है, वो जो है वो हम लोग जानते नहीं, उस दोनों स्पेस को बनाए रखना आखिरी तक, कि मैं कौन हूं मैं नहीं जानता हूं। जिस दिन तुम्हें उत्तर मिल जाएगा ना वो खत्म, वहां पे स्टोरी रुक जाएगी, और गुरुदेव नहीं चाहते तुम रुको, तुम उस परमानंद को जीते रहो हमेशा के लिए, अनंत काल तक उसको जियो, अनंत काल तक उस परमानंद को जीना है, तो मैं अपने आप को जानता नहीं हूं, उसका मैं कौन का कभी उत्तर देना मत अपने आप, कभी भी नहीं, बट रोकना भी नहीं, जो उत्तर आएगा उसको बोलना नेती, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, तो वो ब्रह्म को भी अप्लाई करे ना, तो ये ब्रह्म ये शब्द उसकी उपमा और उसका दृष्टांत, दृष्टांत माने अनुभव,
भले मैं अपने आप को ब्रह्म देख लिया, मैंने वो लाइट देख लिया, ओ या मैं वो सामने मेरे वो शंकर चक्र जो गदाधारी नारायण खड़े हो गए, या जो सर्प जिनके गले में वो शंकर जी वो महादेव मेरे सामने, मतलब ये दृष्टांत जो होते हैं ना सारे, और दृष्टांत को भी छोड़, अनुभव को छोड़, अनुभवी में स्थित हो, तो शंकाओं के लिए जगह ही नहीं बनाते, मतलब देर इज नो स्पेस फॉर डाउट, संशय के लिए जगह ही नहीं, तुम्हारी रुकावट के लिए बाधा ही नहीं, नो देर इज नो स्टॉपेज इन बिटवीन, यू आर जस्ट दैट, हु दैट इज आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, बिकॉज मेरी बुद्धि कभी उसको जान नहीं पाएगी, ये समझ में आ गया मुझे, तो इसलिए जो मूवी जो बनी ना, डॉक्यूमेंट्री बनी, वो बनी क्या, वॉट द ब्लिप डू आई नो, बल्कि इतना सब कुछ, एंड वॉर आर सेइंग दिस, सारे स्पिरिचुअल, सारे साइंटिस्ट, सारे डॉक्टर्स, सारे फिजिशियंस, सारे क्वांटम मैकेनिक्स के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, सारे जो मैथमेटिशियंस, नो सारे तत्वता, सारे लोग का आके फाइनली क्या बोलते हैं, व्हाट द ब्लिप डू आई नो, द मोर आई नो हाउ लेस आई नो, जितना ज्यादा मैं जान रहा हूं उतना ज्यादा मेरे को पता लग रहा है कि जो जाना नहीं अब तक वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इस विश्व का जो पसारा जो है, जो कुछ भी मैंने इस छोटी सी सोलार जो आकाश गंगा उसमें जो इतने सारे प्लैनेट है यहाँ पे वो है, बोलते जितना भी मैं जान रहा हूं ना, मुझे पता लग रहा है, अरे बापरे 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 बापरे, वो वंडर निकल रहा है अंदर से कि आई डोंट नो, मैं जानता नहीं, मैं जो कुछ भी जानता हूँ बहुत कम जानता हूँ, जो नहीं जानता वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अहंकार नहीं आ सकता तुम्हें कि मैं जानता हूँ या मैं, कभी नहीं होगा, अहंकार की जगह नहीं बचा है, तुम जान नहीं सकते, सुंदर ना, जय बोलिए, हाँ मनीष जी बोलिए, ये तो अपने हम पहले हम यही सोच रहे कल तक तो हम ब्रह्म शिव और परमात्मा, और आगे अब तो आपने आगे और बताया ये नया कुछ हम इससे भी आगे, तो उसका मैं उसको आगे जो वैशिष्ट ये पुराण में हमें आगे पता चलेगा हम क्या है, हमें ध्यान किसका करना है या कैसे करना है? इतना सुंदर प्रश्न मनीष जी ने यहाँ पे पूछा है, मतलब यह शक्ति ने पूछा हुआ प्रश्न जो है शिव को पूछा है, हम लोग अपने है जो अपने महादेव को देखते, तो महादेव को किस तरह से दिखाते हैं, हमेशा महादेव को वैसे बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो ये प्रश्न पूछते हैं कि बोलते सारी दुनिया तुम्हारा ध्यान करती है, सारी तुम्हारी पूजा दुनिया पति शक्ति अपने शिव को पूछती है, बोले आप बैठ के किसका ध्यान कर रहे हैं, टू हुम, आप किसके बारे में ध्यान करते हो, किसका ध्यान करते हो आप, यहाँ पे जो शिव जो है वो शक्ति को बताते हैं, ये विज्ञान भी बताते हैं, बोलते मैं किसी और का ध्यान नहीं कर रहा हूँ, दूसरा किसी और का ध्यान करने के लिए और कोई होना चाहिए ना, somebody else has to be there to for me to do ध्यान, बोलते मैं अपने ही आत्म तत्व का, और ये योगशिष्ट में आता है पहले, इट हैज कम, जो बोलते वो जो आत्माराम जो है वो आत्मा जो शिव पूजन जो होता है, यहाँ पे वशिष्ठ मुनि कहते ये मुझे खुद किसने बताया, ये खुद मुझे बोलते शिव ने ही मुझे आके खुद बताया कि शिव पूजन जो है नो वो आत्म पूजन ही शिव पूजन है, तो बोलते वो जो शिव जो है वो किसका ध्यान करते हैं, तो जो मनीष जी आपने जो बताया ना कि मैं किसका ध्यान करूं, तो बोलते किसी का ध्यान मत करो, खुद का ही ध्यान, सिर्फ उस आत्मा का ही पूजन करो, वो आत्म का पूजन, उस आत्म का ध्यान, उस आत्म में ही स्थित होकर रह जाओ, वही सर्वश्रेष्ठ पूजा है, बोलते वही शिव पूजन भी है, बिकॉज शिव आत्मा और तुम खुद और गुरु अलग अलग नहीं है, अलग नहीं है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो बोलते नमन किसका करते हैं, तो गुरुदेव दो फूल उठाते हैं उधर महापिंडी पे डालते हैं, दो फूल उठाते हैं खुद के ऊपर डालते हैं, बोलते खुद को भी कम नहीं समझो, इतना भी कम नहीं समझो, बोलते शिव ही हो, वो जीवक को जब पता चल जाता है कि मैं शिव ही हूँ,
और वो शिव कौन है क्या है मैं जानता नहीं हूँ, बोलते उसी क्षण तुम बोलते, और फिर उसी क्षण किसका ध्यान करोगे, फिर कोई बचेगा ही नहीं ध्यान करने के लिए, और कोई नहीं बचेगा तो खुद ही खुद का ही ध्यान, खुद की ही पूजा, आत्म पूजा। तो दिस इज द सुप्रीम, दिस इज द अल्टीमेट, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, दिस इज द अल्टीमेट। तो उसी का ध्यान करते हैं, उस शिव जो है खुद ही का ध्यान करते हैं, आत्म का ही ध्यान करते हैं। तो आप भी बैठ के आत्म पूजा, आत्म का ही ध्यान करो। अच्छा, ये कोई गर्व से निकलने वाली बात नहीं है, ये अहंकार नहीं है, देयर इज नो आयोटा ऑफ अहंकार। अहंकार होने के लिए दो होने जरूरी होते हैं, ड्यूअलिटी होनी चाहिए, मैं अलग हूँ, अलगाव की भावना जरूरी है अहंकार उत्पन्न होने के लिए। यहाँ पे अलग होने की भावना है ही नहीं, बिकॉज मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ, शिवो हम शिव, शिव मैं ही हूँ, अलग नहीं है कुछ, मुझसे अलग नहीं है, बोलते उसी का खुद का ही ध्यान करते। तभी रुद्र पूजा में देखो गुरुदेव फिर वहां पे कुछ डालते, फिर आत्म पूजा, अपने आप आत्मनिंदा कभी मत करो, गुरुदेव बोलते विक्टिम कॉन्शियसनेस में कभी मत जाना, आत्मनिंदा कभी नहीं करना, दैट्स अ वेरी बिगेस्ट क्राइम। अपने आप को कम नहीं आंकना, न्यून गड्ढे में नहीं जाना, बोलते तुम जानते नहीं हो तुम क्या हो, यू डोंट नो हु यू आर, हाउ कैन, इतना अपने आप कितना छोटा कैसे मान, तुम विराट विराट हो, कृष्ण जी विराट स्वरूप देखा तो तुम जानते नहीं, बोलते अर्जुन तुमने पहचाना नहीं मुझे, तो देखो मैं कौन हूँ, मुझसे ही सारा संसार उत्पन्न होता है, मुझसे ही मेरे में ही विलीन होता है, मैं ही वही विराट स्वरूप, तो वो विराट स्वरूप जो है वो तुम ही हो, तुमसे अलग नहीं। इसलिए योग वशिष्ठ को सुप्रीम क्यों बोला है ना, सुप्रीम योगा, सुप्रीम नॉलेज, मतलब सब कुछ छोड़, सारी संकल्पनाएं, सारे कॉन्सेप्ट, सारे आइडियाज को छोड़, अपने आप स्थित हो जा, वहां पे सारा ज्ञान है, वहां पे सारा ध्यान है, वहां पे सारी शांति है, वहां पे सारा परमानंद है, वहां पे सारा प्रेम है, तुम ही हो। तो एक मैंने पूछना था, ये था तो सुना था मैंने, ज्ञान पूरा कहना सिखा देता है और प्रेम पूरा सुनना सिखा देता है, तो इसमें इसका थोड़ा समझाएंगे। तो मतलब वही बोलते गुरुदेव बोलते हैं ना कि ये जो सारा जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान तुम्हें उस भक्ति में लाता है, उस डिवोशन में तुम्हें लाता है। तो जब भक्ति आती है तो प्रेम नहीं, सिर्फ वो प्रेम की पराकाष्ठा, पूजा की पराकाष्ठा, उस भक्ति को तुम अपने जीवन में प्राप्त करते हो। और बोलते यही रस है, बोलते वो जो ज्ञान भी है ऐसा सूखा सूखा ज्ञान है, मुस्कुराना भूल गए, सामने वाला मुस्कुराना भूल गए, मोह की बात नहीं चल रही यहाँ पे, बोलते यहाँ पे वो भक्ति की बात चल रही, तो बोलते उस डिवोशन की बात चल रही, बोलते उस प्रेम को, वो रस सदी नहीं है जीवन में, तो ऐसे सूखे दुखे सूखे ज्ञान को क्या करोगे जीवन में, तो ज्ञान तुम्हारे लिए बंधन बन गया, फिर मैं बड़ा ज्ञानी बन गया जी, मैं बड़ा साइंटिस्ट बन गया, मुस्कुराना भूल गए, प्रेम को भूल गए, दूसरों को हेल्प करना भूल गए, सेवा करना भूल गए, बोलते ऐसे सच नॉलेज, तो बोलते वैसा ज्ञान नहीं हो, तुम्हारे जीवन में भक्ति का रस उदय करे ऐसा ज्ञान होना चाहिए, तो बोलते वो उसका पर्पज ही वही है कि वो भक्ति तुम्हारे जीवन में आ जाए, वो नो इट्स दैट डिवोशन, तो बोलते प्रेम तो निहित ही है ज्ञान में, ज्ञानी प्रेमी होना, ज्ञानी भक्त होना बिल्कुल अनायास है, वो होता ही है, अपने आप ही होता है। ये ना कि जैसे हमने अभी जो हम जान रहे हैं, चाहे 10 साल बाद 20 साल बाद भी कर करके भी हमें यही यहाँ पे पहुंचने जा रहे अभी हम, तो इसलिए जो आप बता रहे हो बस लगे रहो मुन्ना भाई, करते रहो जो कर रहे हो, जो चल रहे हैं ना उसको चलने दो। हाँ ये तो है, थैंक यू बहुत, जय गुरुदेव। चलिए व्यक्त करना है, आप अनम्यूट करके जरूर यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेंगे।
चलिए सत्र को रोक लेते हैं। तू ही तुम ही तो हो तुम ही तो हो ऐसे शिवो हम किसी यह रियलाइजेशन, यह सजगता आपकी जीवन में है, ऐसा मान लो या जान लो या श्रद्धा रख लो। आपके मानने या न मानने से सत्य नहीं बदलता, लेकिन आपकी श्रद्धा से वो सत्य आपके लिए कभी बदल जाता है। वह आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, चैतन्य, शिव, जो भी नाम से आप उसे पुकारते हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब वह खुद बन जाते हैं, तो आप वह सजगता, वह अवेयरनेस, वह होश उत्पन्न हो जाता है। इसी एहसास के साथ आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं। जय गुरु। जय गुरु।